ब्रॉट टू यू बाय टेक्नो स्पार्क 20 सीरीज स्मार्टफोन्स। चिराग पासवान ने अपनी काबिलियत साबित की, अपना घूम के अपना दल को खड़ा किया। अब वो शादी करेंगे, उनका बेटा होगा, वो अध्यक्ष बनेगा, तब वो पर्यावरणवादी के हिसाब से आएंगे। वो बहुत बात की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक, मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चिराग पासवान के अजब परिवारवाद पर अभी आपने बीजेपी की गजब सफाई सुनी। बता दें कि चिराग पासवान को 5 लोकसभा सीट एनडीए में सीट बंटवारे के बाद मिली। उनके जो 5 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे हैं, उनका एक एक कर नाम देख लीजिए। हाजीपुर से जहां चिराग पासवान चुनावी मैदान में होंगे एलजेपीआर के सिंबल पर, वही जमुई से अरुण भारती यानी कि चिराग पासवान के बहनोई चुनावी मैदान में होंगे। इसके अलावा समस्तीपुर से शांभवी चौधरी जो कि अशोक चौधरी की बेटी हैं, वो चुनावी मैदान में होगी एलजेपीआर के सिंबल पर। साथ ही वैशाली से वीणा देवी और खगड़िया से राजेश वर्मा भी चुनावी मैदान में होंगे। वीणा देवी का भी अपना एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है और राजेश वर्मा भी आर्थिक रूप से बेहद ही संपन्न परिवार से बिलोंग करते हैं। साथ ही अगर चिराग पासवान के पॉलिटिकल बैकग्राउंड पर हम गौर करें तो वो रामविलास पासवान के बेटे हैं। रामविलास पासवान ने लोक जनशक्ति पार्टी बनाई, उसके बाद अपना उत्तराधिकारी बना दिया चिराग पासवान को। और रामविलास पासवान के निधन के बाद, मौत के बाद, जिस तरीके से रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी पर चिराग पासवान का वर्चस्व हो गया, इस बात से उनके चाचा पशुपति पारस नाराज हो गए। उसके बाद पार्टी का विभाजन हुआ, जिसके बाद चिराग पासवान पार्टी और परिवार में अलग थलग पड़ गए और एलजेपी के दो धड़े बट गए। एक तरफ आर एलजेपी थी, जिसका जो है पूरी जिम्मेदारी पशुपति पारस उठा रहे थे, और एलजेपीआर जो है वो चिराग पासवान की पार्टी बन गई। अब एलजेपीआर 5 सीटों पर चुनावी मैदान में है और अपने सभी उम्मीदवारों पर जो है मेहरबान दिखाई दे रही है, और उसके 5 में से 4 उम्मीदवार जो है पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाले हैं, जिनका राजनीति में ऑलरेडी बैकग्राउंड रहा है। ऐसे लोगों को चुनावी मैदान में चिराग पासवान ने उतारा है और चिराग पासवान के इसी परिवारवाद पर तेजस्वी यादव हमलावर हैं और उनके उम्मीदवारों की सूची जारी कर तेजस्वी यादव सवाल पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। इस पूरे मामले पर मोदी ने तो चुप्पी साध ली, लेकिन बीजेपी नेता अजय आलोक ने अपनी प्रतिक्रिया दी। क्या कहा जरा सुनिए। कुछ नहीं कर सकते, परिवारवाद का मतलब प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में बहुत आराम से समझाया था, लेकिन इनकी दिक्कत है ना, ये ना सुनते हैं ना अच्छी बातों को समझ सकते हैं। परिवारवाद का मतलब आप मुझे बताइए, आज सम्राट चौधरी अध्यक्ष हैं, 4 महीने के बाद लोकसभा चुनाव के बाद हमारा नया अध्यक्ष अगर आएगा तो आप लोग में से कोई या हम में से कोई बता सकता है कौन अध्यक्ष होगा? नहीं बता सकता है। लालू यादव के बाद कौन अध्यक्ष होगा बता सकती है ना? अल्फा मेल जब बूढ़ा हट जाएंगे तो कौन अध्यक्ष होगा बता सकती है? कांग्रेस में कौन अध्यक्ष होगा, किसकी मर्जी से होगा आप बता सकती हैं? समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव के बाद उनकी बेटी ही अध्यक्ष बनेगी आप बता सकती हैं? परिवारवाद का मतलब ये है कि सत्ता एक परिवार के हाथ में आ जाए, उसी की मर्जी से अध्यक्ष और वही मुख्यमंत्री हो, वही परिवार सत्ता का संचालन करेगा, ये है परिवारवाद। एक बाप बेटा अगर चुनाव लड़ रहा है तो वो परिवारवाद नहीं होता है, लेकिन इनको समझ में नहीं आएगा। ऊपर का मौला खाली है थोड़ा सा भाई। एक मिनट, रामविलास पासवान के बाद उनकी पार्टी टूट गई, खत्म हो गई पार्टी, चिराग पासवान को बाहर निकाल दिया था। रामविलास पासवान आर बन गया, रामविलास पासवान दूसरा वाला बन गया। चिराग पासवान ने अपनी काबिलियत साबित की है, अपना घूम के अपना दल को खड़ा किया है। अब वो शादी करेंगे, उनका बेटा होगा, वो अध्यक्ष बनेगा, तब वो परिवारवादी के हिसाब से आएंगे। वो बहुत बात की बात। देखा आपने, अजय आलोक ने साफ कर दिया कि परिवारवाद की एक परिभाषा होती है और वो परिभाषा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बता दी है। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति किसी पार्टी का अध्यक्ष है और आगे चलकर उसका बेटा उस पार्टी का अध्यक्ष बनेगा तो ये परिवारवाद है, अदरवाइज परिवारवाद नहीं है। और इसके अलावा अगर किसी फैमिली बैकग्राउंड जिसका राजनीति में है, ऐसे व्यक्ति को अगर कोई पार्टी टिकट देती है तो इसको हम परिवारवाद की श्रेणी में नहीं रखेंगे, ये कहना है बीजेपी नेता अजय आलोक का। अजय आलोक की इस थोथी दलील के बाद चिराग पासवान के गजब परिवारवाद पर बीजेपी की अजब सफाई की चर्चा चहुओर है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और चिराग पासवान पर जो परिवारवाद का आरोप लग रहा है उस पर आपका क्या कहना है? बीजेपी की सफाई पर भी अपनी राय दीजिए और बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।